हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे के नेतृत्व में हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि 18 तहरीर इस दौरान हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार मिश्रा को दी गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहा और अपनी मनमानी कर रहा है। मंगलवार को अधिवक्ता एकत्र होकर हापुड़ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर देकर मामले में कार्यवाही की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर लौट रहे थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए। इस दौरान हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष हाजी एनुल हक, एडवोकेट सचिन नरेंद्र शर्मा, एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी, एडवोकेट व अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। देखिए हापुड़ से गौरांग गोयल की रिपोर्ट। तहरीर अभी मौके पर 18 तहरीर दी गई है, लेकिन प्रशासन अभी तहरीर ले रहा है, बट अभी एफआईआर लिखने की उनकी मंशा जो अभी तक नहीं झलक रही, किसी तरह एफआईआर लिखने की तैयार है। वो कह रहे हैं अपने आईजी डीआईजी से पूछेंगे, जब प्रशासन हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहा तो हम बार काउंसिल क्यों मानेंगे। अभी लगभग और कितनी ऐसी तहरीर आएंगी? अभी अध्यक्ष जी से या महामंत्री जी से बात हुई है, करीब 4 या 5 बता रहे हैं और आनी है। और जो भी अधिवक्ता चोटिल है वो तो अपनी एफआईआर लिखा हो सकता है अस्पताल। 18 जिसकी रिसीविंग पुलिस द्वारा हम लोगों को दे दी गई, बट एफआईआर लिखने के लिए अभी वो तैयार नहीं। वो कह रहे अपने ऊपर अपने उच्च अधिकारियों से, जो उनके आका उनसे पूछ के लिखेंगे। ठीक।